नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो वेल गाइस, जो आज का वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो गेम का जो साइज टारगेट रहता है वो सिर्फ 1 GB होता है, और उसमें वो यार 1 GB के साइज में वो ओपन वर्ल्ड गेम खोज रहे हैं। और भैया, ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है, क्योंकि मैं 1 GB के साइज में गेम तो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट वो सभी गेम हाई ग्राफिक्स गेम है, से आधे से ज्यादा गेम तो भाई ओपन वर्ल्ड है। तो भैया रुको, जरा सब्र करो, कोई बोला धक्का मुक्की नहीं, सबको गेम खेलने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास एक लो एंड वाला पीसी लैपटॉप है, या मिड रेंज वाला पीसी लैपटॉप है, या हाई वाला पीसी लैपटॉप है, नो रिक्वायरमेंट के लिए ये गेम है, आप आराम से खेल सकते हो बिना लैग, बिना किसी इशू के। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो तुम बहुत ही बुरा करती हो, नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, प्रेम से दबा दो, और जो बेल आइकन है उसे ऑल में करना। YouTube तो नोटिफिकेशन भेजता नहीं है, पर मैं फिर भी बोल देता है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई ऐसे अंगूठा लगा के लाइक कर देने का, और बिना टाइम वेस्ट किए अनुलोम विलोम के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। okay, जो लिस्ट में हमारा सबसे पहला गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मैड आउट 2 बिग सिटी ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, ये एक फ्री टू प्ले ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया मैड आउट गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, सो टोटली ओपन वर्ल्ड है विथ हाई ग्राफिक्स। मतलब इसका अगर मैं आपको साइज बताऊंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा कि भाई इस साइज में भी अपने को इतना अच्छा गेम देखने को मिल जाता है। तो बल्कि जो मैड आउट बिग सिटी है, इसका जो साइज है वो सिर्फ 500 MB है, एंड इसे आप स्टीम से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। पर आपको टास्क दी जाते हैं, आफ्टर टास्क कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप सिटी में इधर उधर मटरा सकते हो एंड पूरा सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बल्कि इस गेम में आपको मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हो, जैसे आप अपन GTA ऑनलाइन खेलते रोल प्ले खेलते, तो इस तरह इसमें आप रोल प्ले मोड भी खेल सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए, अगर आप खोज रहे हैं 1 GB के अंदर एक हाई ग्राफिक्स गेम, तो भैया मैड आउट 2 बिग सिटी सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई डेट नहीं है, प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम चल जाएगा। करना चाहते हैं तो भैया लेट किस बात की, कूद फान के आप मेरे वेबसाइट पर जाए और इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे सेकेंड गेम के ऊपर। सेकेंड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है स्नाइपर गोस्ट वॉरियर। पर गोस्ट वॉरियर एक ओपन वर्ल्ड स्नाइपिंग वीडियो गेम है। दोस्तों ये सिर्फ स्नाइपिंग गेम नहीं है, यहाँ पर आपको स्नाइपिंग ही नहीं करना पड़ता है, आप जब गेम खेलोगे तो भैया इस गेम का जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी हाईली ऑप्टिमाइज्ड ग्राफिक्स है। गेम पुराना है बट दोस्तों अभी भी अगर आप इस गेम को खेले नहीं है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो ज़रूर से खेलना, क्योंकि इस गेम का जो मैप मिलता है वो काफ़ी बड़ा मिलता है। यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशन देखने को मिल जाते हैं, एंड वाइल्ड मिशन कंप्लीटिंग आपको पूरा ओपन वर्ल्ड का यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ पर आप वो हर एक चीज़ कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो, एंड ग्राफिक्स क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक एडवेंचरस एंड हाई ग्राफिक्स गेम प्लस ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं तो स्नाइपर गोस्ट वॉरियर सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। गेम की साइज की बात करें तो मात्र 850 MB का गेम है दोस्तों, एंड गेम के डेवलपर की बात करें तो CI गेम्स इस गेम के डेवलपर एंड पब्लिशर है, एंड इस गेम को रिलीज किया गया 24 जून 2010 को। गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। इस गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 256 MB नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें इंटेल पेंटियम में गेम आराम से चल जाएगा। गेम को ट्राई करना चाहते तो किस बात का तुम इंतजार कर रहे हो, सुपरमैन जैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाएं एंड इस गेम को इंस्टॉल कर ले। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम की ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस, हमारा थर्ड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है लेफ्ट फॉर डेड। एंड दोस्तों लेफ्ट फॉर डेड आपका एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग सर्वाइवर हॉरर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया वेलवेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। गेम काफी पुराना है बट वेट, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1 GB से कम साइज का गेम, तो भैया लेफ्ट फॉर डेड सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है, क्योंकि इस गेम का जो सेटअप साइज है दोस्तों वो मात्र 800 MB है। तो अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भैया बोलने की कोई बात नहीं है, खुद फन के जाओ इंस्टॉल कर लो। गेम की बात करें
तो भैया गेम यहाँ पर आपका हॉरर सर्वाइवर गेम है। यहाँ पर आपको सर्वाइव करना रहता है जोम्बियों से, क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसे जगह में फंस जाते हो जहाँ पर काफी सारे जोम्बीज आपके ऊपर अटैक करने लगते हैं, को किल करना रहता है। एंड वाइल यहाँ पर आप जब मिशन कंप्लीट करोगे तो जो आपको एनवायरमेंट देखने को मिलेगा वो आपको ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा, आपको काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। लेफ्ट 4 डेड की मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम मात्र 1 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स का कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया कोई भी प्रोसेसर में आपका गेम चल जाएगा। क्या मन कर रहा है कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, तो वेल गाइस लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस गेम को जगह इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलराइट, तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्काई ड्रिफ्ट इन्फिनिटी। सो वेल गाइस स्काई ड्रिफ्ट इन्फिनिटी आर्केड रेसिंग गेम है, इसे आप बोल सकते हैं एरोप्लेन रेसिंग गेम इसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि इस गेम में आप एक एरोप्लेन ड्राइव करते हो। एंड यहाँ पर आपको यार अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको ट्रैक दिए जाते हैं जहां पर आप अपने प्लेन को रेस करते हो, कंपनी टीम से यहां पर आपको रेसिंग करना रहता है एंड अपने एरोप्लेन को फर्स्ट स्टेज पे लाना रहता है। वाइल रेसिंग यहां पर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म दिए जाएंगे एंड यार काफी डेंजरस यहां पर आपको यार मूवमेंट देखने को मिलेगा एंड इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो भी काफी हाई यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। परंतु पब्लिशर THQ है एंड ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप इसे PlayStation 4, Xbox एंड अपने PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से खेल सकते हो। गेम की साइज की बात करें तो भैया मात्र 900 MB का ये गेम आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका भी कर रहा है यार चलो यार एरोप्लेन चलाया जाए, रेसिंग किया जाए, तो भैया इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करना। एंड इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहां पर मैं रिवील कर देना चाहता हूं। रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया मात्र 512 MB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया मात्र 800 MB के आसपास आपके पास डेटा होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो यार एक बार इंस्टॉल करके देख लूं, देर किस बात की, लिंक है वेबसाइट का, जाके वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो बल्कि इस पढ़ते हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। फिफ्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है टोटल ओवरडोज। एंड बल्कि इस टोटल ओवरडोज की साइज की बात करें तो ये गेम आपको 700 MB के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड बल्कि इस टोटल ओवरडोज की और बात करें तो भैया एक मैक्सिकन ओपन वर्ल्ड थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया डेडलाइंस गेम के द्वारा। गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, आप इसे PC में खेल सकते हो, PlayStation खेल सकते हो, Xbox में काफी आसान तरीके से खेल सकते हो। मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर देखने को मिल जाता है। एंड गेम की बात करें तो भैया गेम पूरा आपका एडवेंचरस से भरा हुआ है, यहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। एंड इस गेम की सबसे अच्छी बात यह है कि इतने कम साइज में यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिलता है एंड इस गेम का मैप काफी बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड ग्राफिक्स क्वालिटी का क्या कहना, काफी हाईली एंड काफी रियलिस्टिक ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास एक लो एंड PC लैपटॉप है या मिड रेंज वाला PC लैपटॉप है, हाई है तो भैया आपका क्या कहना, आप ही के मजे हैं भैया। तो वेल गाइस इस गेम की जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 256 MB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड का कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। और स्पेस की बात करें तो सेटअप का साइज 700 MB है, वो तो मैंने कह दिया। मन कर रहा है यार, मन को मानना नहीं चाहिए, एक बार गेम को ट्राई कर लेना चाहिए, तो है मेरे वेबसाइट के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप वीडियो को एंड करें, वेट वेट वेट, एक बोनस गेम में यहाँ पर आपको और देने वाला हूँ। तो वेल गाइस उस गेम का नाम है सिटी बस सिमुलेटर 2018। एंड दोस्तों सिटी बस सिमुलेटर 2018 की बात करें तो भैया ये एक आपका सिमुलेटर गेम है जहाँ पर आप बस ड्राइव करते हो एंड यहाँ पर आपको जो बस ड्राइविंग का यहाँ टास्क दिया जाता है अपने पैसेंजर को इधर से उधर ले जाने के लिए। बट इस गेम की जो साइज की बात करें मात्र 600 MB का गेम है दोस्तों एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास एक मिड रेंज वाला PC या लैपटॉप है तो इस गेम को आप आराम से इंस्टॉल करके प्ले कर सकते हो। ये गेम भी आपका ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है, इस गेम को भी जरूर से ट्राई करना है क्योंकि एक बोनस गेम है, तो ट्राई करना। तो 1 GB के साइज के गेम थे आपके PC लैपटॉप के लिए जो हाई ग्राफिक्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका मन करता है इन पांचों गेम्स का इंस्टॉल करने का तो मैंने पहले भी कह दिया है कि भैया आराम से जाओ, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करो, सभी गेम्स आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन है भाई, कमेंट करो, आप ही के लिए वो बना हुआ है। तो मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।